आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ अराउंड 150 पॉइंट्स, एंड गैप अप ओपन होने के बाद अराउंड 350 पॉइंट्स का हाई लगाया एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग सेशन। कल के सेशन में जो गैप बना था, निफ्टी ने आज उस गैप को फिल करने का कोशिश किया, लेकिन निफ्टी उसको होल्ड नहीं कर पाया और वहां से गिरना स्टार्ट हो गया। अराउंड 150 पॉइंट्स निफ्टी आज अपर बंद हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग सेशन। अगर गाइज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें कल के सेशन के लिए, तो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट सपोर्ट, 16,364 डाउन साइड में एक अच्छा लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है देन वी कैन से दैट निफ्टी विल गो डाउन, अदरवाइज निफ्टी विल स्टे रेंज बाउंड। सपोज कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, देन 16,364 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है वी कैन से दैट निफ्टी विल गो अप, अदरवाइज विल गो डाउन मोर। सो 16,364 एक अच्छा लेवल है डाउन साइड में। अगर गाइज हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो 16,836 एक अच्छा रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि आज निफ्टी इसी लेवल को होल्ड नहीं कर पाया एंड इसी लेवल से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया और डेली चार्ट पर एक डोजी टाइप में कैंडल बना दिया। तो अगर आप कल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आकर अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे तो उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब भी निफ्टी रिवर्स होता है तो वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आकर रिवर्स होता है। सपोज कि कल निफ्टी गिरकर अपने सपोर्ट के पास आ जाता है, देन निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता और आपको लग रहा है कि निफ्टी कैन नॉट ब्रेक दिस लेवल, देन आपको इस लेवल के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है विच इज गोइंग टू इंडिकेट द बुल मार्केट। देन आपको उस कैंडल का लो एसएल मार्क कर लेना है, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक हो वैसे ही आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। अगेन जो टारगेट रखना है वो आपका टारगेट 1:2 का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अगेन कल अगर निफ्टी अब गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद वो रेजिस्टेंस के पास आ जाता है एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, देन आपको रेजिस्टेंस के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है जो कि बियर मार्केट को इंडिकेट करे, देन उस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हो देन आपको वहाँ पर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर लेना है 1:2 का टारगेट रख के, इससे आप कल अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो।